आप सभी भगवत प्रेमी जन पियावन महादेव के दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी स्वामी महादेव के 11वें रुद्रावतार विराजमान हैं और दास को भी परम सौभाग्य से आज महादेव और हनुमान जी स्वामी के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पियावन आश्रम आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके दर्शन करवा रहा हूँ। ये स्नानागार है जहाँ पर सभी भक्त गण आके स्नान करते हैं और ये हमारे संगी हैं जो परम ही राम भक्त हैं और इन्हीं के माध्यम से इन्हीं के ऐसे विचार उद्घटित हुए कि आज पियावन आश्रम चला जाए और महाराज जी के दर्शन करना है। तो हम बोले कि ठीक है, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। तो प्रभु की यदि ऐसी इच्छा है तो चलते हैं। तो ये सभी भक्त स्नान कर चुके हैं और वो जो हाथ हिला रहे हैं वहाँ से वो परम ही राम भक्त हैं और बाबा के तो वो बहुत ही बड़े भक्त हैं। श्रावण का महीना चल रहा है तो वो बोले कि चलते हैं और आ रहे हैं। अब स्नान बन चुका है। जय श्री सीताराम। ये देखिए आ चुके हैं पास में और वहीं पर सबसे पहले महादेव के दर्शन किया जाए। और ये श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है और आप देख पा रहे हैं। चलिए अंदर के सौंदर्य का दर्शन, अंदर के महाराज जी के दर्शन आपको सुलभ करवा रहे हैं। ये पियावन आश्रम में बहुत ही अच्छी व्यवस्था बन गई है जहाँ पर आके श्रद्धालु और भंडारे का आयोजन करते हैं। विश्राम गृह बन गया है सभी श्रद्धालुओं के लिए। महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। महाराज जी शायद इस समय विश्राम कक्ष में हैं और ये महादेव यहाँ विराजमान हैं। यहाँ भी आपको दर्शन सुलभ करवा रहे हैं। हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम, भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महादेव की जय हो। और यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं। जाके वहाँ हनुमान जी के मस्तक में तिलक आपको लगाना चाहिए था। जय जय श्री सीताराम, जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बाय बाय। ये श्रद्धालु हैं जो प्रसाद वितरित कर रहे हैं और ये बालक हैं। बाय बाय बाय। बहुत ही सुंदर। जय जय। सूरज पूछ रहे हैं बजरंग बली कहाँ पर है। अभी वहीं महादेव के बगल में विराजमान है तो वहीं से निकाल लीजिए। निकलेगा चलें हम। चलिए महाराज जी के गद्दी का दर्शन कर लिया जाए। महाराज जी तो शायद विश्राम में है, यही पता किया जाए महाराज जी कहाँ है। संत जी जय जय श्री सीताराम। महाराज जी विश्राम में हैं क्या? अच्छा, कब होंगे महाराज जी के दर्शन सुलभ?